मेरा सारा शायद जिससे आपके सबसे ना काफी टाइम के बाद आपको देख रहे हैं बदमा लड़के, तो मतलब बोल सकते हैं कि मीटर आपका चालू था लेकिन बत्ती बुझ गई। आप तो स्टेटमेंट मार रही है, मैं इसको जवाब क्या दूँ? मैं आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा मीटर चालू हो गया। ये तो एक्चुअली मेरे यूजुअली मेरी एक साल एक फिल्म आती है, तो मेरी दूसरी फिल्म आ गई इस साल, तो मैं तो वीकली और मैं तो बड़े वी आर अमेजिंग, वी हैव डन अ सेकंड फिल्म इन द सेम ईयर, तो हम तो बड़ा वीकली, इट वाज अ ह्यूज अचीवमेंट कि हमने यू नो एक सेकंड फिल्म अचीव कर ली एक ही साल में। लेकिन आपको सिंगल देखने में ज्यादा मजा आता है पद्मावती में काफी। मुझे सिंगल देखने में आपको ये बात शायद मुझे अपनी बीवी से शेयर करनी नहीं, बट मुझे ये जरूर कहना चाहिए कैरेक्टर्स और फिल्म की जो कहानी होती है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वन हीरो टू हीरो, मैंने कभी फिल्म में उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किए हैं, चाहे वो उड़ता पंजाब हो जिसमें दिलजीत थे, चाहे वो रंगून हो जिसमें सैफ थे, चाहे वो पद्मावत हो जिसमें रणवीर थे, और इस फिल्म के अंदर भी देवेंद्र जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। शायद लोगों को ये नहीं पता है क्योंकि उन्होंने अब तक फिल्म नहीं देखी है, लेकिन उनकी प्रेजेंस एक बहुत अहम प्रेजेंस है इस फिल्म के अंदर, और मैं उसको एक लीडिंग पार्ट से कम नहीं मानूंगा, ये बहुत ही अच्छा रोल है उनके लिए। शायद जब लोग फिल्म देखेंगे तो वो समझेंगे, एक्चुअली उनके कैरेक्टर की वजह से ही सब कुछ होता है फिल्म के अंदर। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सही कहानियों को चुनें और सही कहानियों को कहने की कोशिश करें, नहीं तो शायद दंगल कभी बनती नहीं, क्योंकि वो तो दो बेटियों की कहानी थी और फादर का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे आमिर खान। सो आई थिंक वी नीड टू ग्रो बियॉन्ड दीज लिमिटेशंस जो हम अपने ऊपर डाल देते हैं, और आई अप्रिशिएट द कॉम्प्लीमेंट, लेकिन मैं इन चीज़ों को कभी सीरियसली नहीं लेता। मैं अच्छी फिल्मों का हिस्सा बनना चाहता हूँ, मैं ऐसी फिल्में करना चाहता हूँ जो लोगों तक कुछ अच्छा कह पाएँ, शायद उनके दिल को थोड़ा सा टच कर पाएँ, उनको थोड़ा हंसा पाएँ, उसमें जितने भी लोग आए आई डोंट हैव प्रॉब्लम। ऐसे और बॉलीवुड की अपडेट्स के लिए देखते रहिए चिलैक्स।